ईवीएम वीवीपैट पर क्या घिर गया चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से दागे कैसे सवाल? चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब? ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल दागे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवालों में ईवीएम वीवीपैट की पर्ची की 100% मिलान में पारदर्शिता को लेकर सवाल दागा गया। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होने की भी बात कही गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये भी जवाब तलब किया है कि वह बताएं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। इन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में चुनाव आयोग से बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चुनाव कराने वक्त किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। गौरतलब है, ईवीएम वीवीपैट की पर्ची की 100% मिलान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सुनवाई चल रही है। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं। आज चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अपने सवालों से साफ कर दिया है कि वो चुनाव को लेकर पारदर्शिता के मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं देखना चाहते हैं। साथ ही जनता के विश्वास को भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर हनन होते वो नहीं देखना चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने साफ तौर पर चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से सवाल दागा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश की गई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और चुनाव आयोग से पूछा कि आप अपना रुख साफ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया, ईवीएम में 3 यूनिट होते हैं, जो कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट यूनिट है। इसमें बैलेट यूनिट सिंबल के लिए, कंट्रोल यूनिट डेटा कलेक्ट करने के लिए और वीवीपैट वेरिफिकेशन के लिए होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया कि क्या इसके प्रोग्राम मेमोरी में किसी भी तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिस पर चुनाव आयोग का जवाब था कि नहीं, इसे बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का होता है। चुनाव आयोग ने मजबूती से कहा कि इसे बिल्कुल ही नहीं बदला जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग के उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की परमिशन होती है, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम में रखने से पहले मॉक पोल करवाया जाता है। इसी वक्त उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और उसकी जांच करने के लिए मॉक वोटिंग कराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ईवीएम वीवीपैट पर सुनवाई चल रही है। हालांकि इस पर क्या फैसला आता है फिलहाल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सवालों की झड़ियां जरूर लगा दी हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।